इतना बारूद की लोहा भी पिघल जाए। इतना घातक बम कि एक बड़ा इलाका राख में बदल जाए। ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार कि यूक्रेन का एयर डिफेंस एक पल के लिए भी खामोश ना हो। पुतिन का ऐसा प्लान कि यूक्रेन का कवच खोखला हो जाए। चुन चुन कर ऐसे हमले की ना एयर डिफेंस में मिसाइलें बच जाएं और ना ही स्टॉर्म शैडो को फायर करने के लिए फाइटर जेट। रूस की आर्मी अब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हमले कर रही है। इसके लिए रशियन आर्मी ने कुछ खास हथियारों का सिलेक्शन किया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, यूक्रेन का हथियार खत्म। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के तमाम हथियार डिपो हैं। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस नेटो देशों से आए तमाम हथियारों को खत्म करना चाह रहा है। यही वजह है कि रूस अब फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हथियार के गोदाम में मौजूद एक दिन का भी सही सलामत ना बचे। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब जिस जगह गिरता है वहां का करीब 300 मीटर का इलाका पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है। यह दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु हथियार है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब थर्मोबैरिक हथियार है। रूस ने साल 2007 में इसे विकसित किया। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का वजन 500 किलो है। स्टॉर्म शैडो का इलाज टारगेट पर बमबाज। ये यूक्रेन का सुखोई 24S फाइटर जेट है। अब ये रूस के टारगेट पर है क्योंकि इसी फाइटर जेट से यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल फायर कर रहा है। रूस चुन चुन कर सुखोई 24 को खत्म कर रहा है ताकि यूक्रेन में भेजे गए स्टॉर्म शैडो कबाड़ की तरह पड़े रह जाएं। इसके अलावा रूस यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस को खाली करवा रहा है ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच खत्म हो जाए और फिर मिसाइलों और हवाई हमले से यूक्रेन को बर्बाद किया जा सके। रूस ने कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने मिसाइल से पैट्रियट को खत्म करने का दावा किया। पैट्रियट को खाली करने के लिए ही कीव पर ताबड़तोड़ हवाई अटैक जारी है। कीव पर शनिवार से लगातार ड्रोन और मिसाइल का हमला पैट्रियट को खाली कराने के लिए ही किया जा रहा है। शनिवार रात से रूस की तरफ से 54 ड्रोन कीव के आसमान में भेजे गए जिनमें से 52 ड्रोन को गिरा दिया गया। रविवार को एयर डिफेंस की 52 मिसाइलें भी नष्ट हुई। सोमवार को 30 ड्रोन को गिराने के लिए 30 मिसाइलें नष्ट हो गईं। 37 क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं, यानी 37 और एयर डिफेंस मिसाइलें नष्ट हुईं। सिलसिला जारी है। पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस की बदौलत यूक्रेन ने रूस के सभी ड्रोन और मिसाइलों को गिरा दिया। लेकिन सवाल है कि क्या उन मिसाइलों में वॉरहेड था, ड्रोन में विस्फोटक है या नहीं, मिसाइलें डमी है या वॉरहेड से लैस, इसकी जांच हवा में ही करना नामुमकिन है। इसलिए यूक्रेन रिस्क नहीं ले रहा है और कीव में मौजूद तमाम एयर डिफेंस लगातार काम कर रहे हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस जल्दी से जल्दी यूक्रेन के एयर डिफेंस को खाली करने के प्लान को आगे बढ़ा रहा है। रूस बगैर विस्फोटक वाले सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के फाइटर जेट डमी मिसाइलें दाग रहे हैं। एयर डिफेंस वाले इलाकों पर ही ताबड़तोड़ अटैक किया जा रहा है। लैक्सी से आई लेटेस्ट रिपोर्ट भी रूस के इसी प्लान की तरफ इशारा कर रही है। लैक्सी में अचानक रूस ने तैनाती बढ़ा दी है। काला सागर में रूस ने 11 युद्ध पोत भेजे हैं। 11 में से 6 कैलिबर मिसाइल लॉन्चर पोत हैं। जाहिर है ब्लैक सी से मिसाइल बरसाने की तैयारी है। ब्लैक सी से भी अब यूक्रेन पर डमी मिसाइलें बरसाई जा सकती हैं ताकि यूक्रेन के आसमानी कवच को भेदने का प्लान जल्द से जल्द कामयाब हो सके। पश्चिमी देशों के लिए एयर डिफेंस की मिसाइलों की सप्लाई को तेज करना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि रूस ने एयर डिफेंस को खाली करने का प्लान तैयार किया है। रूस का दावा है कि सोमवार की रात यूक्रेन के एक एयरबेस को तबाह कर दिया गया। हमले में यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट और रेडार नष्ट हो गए। एयरबेस पर मौजूद हथियारों का गोदाम भी राख बन गया। खमेलनित्स्की इलाके में भी यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया। रूस के घातक हथियारों ने यहाँ रनवे को डैमेज कर दिया और यूक्रेन के 5 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया। खेरसोन में भी रूस का हमला जारी है। यहाँ रूस ने यूक्रेन का होवित्जर और मोर्टार टीम पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।